एक बैच पहले चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़ी सी मेरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने कुछ छुट्टियां ले ली थी, इस कारण से बैच एक कंटिन्यू नहीं हुआ और मैंने आज से इसको कंटिन्यू किया है। दिक्कत यह है कि जैसे शैला जी है, अरुण जी है और एक दो लोग और हैं जो इस बैच में पहले से थे, तो उनको प्रॉब्लम ये है कि ये उससे ये जो पहले की चीजें क्या है वो सारे चीजें भूल गए हूँ। इसलिए मैंने इस बैच को वापस रिकंटिन्यू किया है कि मैं वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ और जो भी चीजें हैं मैं आपको करेंगे, थोड़ा सा बेसिक फास्ट लेके चलूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा गैप ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स, अपने होमवर्क, अपनी रिकॉर्डिंग को देखना और साथ में प्राइक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग अगर आप प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेल आपका आप यूज करते हैं, एक्सेल और फैमुलर है, तो आप या फिर एक्सेल जो है ग्राफिकल है तो आप थोड़ा सा अंदाजा से या फिर थोड़ा इधर उधर करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या है कि वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग जिसका बारे में आप दिख रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल नया है, ऊपर से ये ग्राफिकल नहीं है, तो ये पूरी चीज को आपको लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है। तो हम मैं ज्यादा फंडामेंटल लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी चीज तो आपको इसके अंदर डिस्कस किया ही था, बात कर रहे हैं कोड कंसेप्ट से, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कोर्स को कोड कंसेप्ट से, हम कोड कैसे लिखेंगे उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो जब हम वीवी कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होगा कोडिंग करने से पहले, इस चीज के बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे नहीं होता है, फर्स्ट टाइम आपको एक बार लाना पड़ता है, वो भी आपको एक्सेल के फाइल मेनू बार के ऑप्शन से, और यहाँ पे आपके पास होता है एडवांस में, माफ कीजिएगा कस्टमाइज रिबन में, और ये आपका डेवलपर टैब है, यहां से इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो डेवलपर टैब आप यहां से लाएंगे, उसके बाद जो है बात करते हैं कि आपकी जो माइक्रो सिक्योरिटी है वो अनेबल होनी चाहिए। अगर माइक्रो सिक्योरिटी को आपने डिसेबल कर दिया तो माइक्रो फर्स्ट टाइम तो चलेगा बट सेकेंड टाइम आपका माइक्रो नहीं चलेगा, आपको हमेशा अनेबल माइक्रो का ऑप्शन पूछेगा। उसके बाद आपकी जो फाइल है उस फाइल को हमेशा आपको सेव करना होगा एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में हम यहाँ पे इसलिए सेव करेंगे क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है आपको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक होता है ये माइक्रो डिसेबल फाइल कहलाता है, इसमें माइक्रो कैरी नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें बार बार यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन में आए, इसके सेव पे आए और यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करके ओके कर दें। इससे क्या होगा, अब आपका हर एक फाइल डिफॉल्ट जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव होगा। ये चीज शुरुआती दौर पे कर लीजिएगा, हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो करते हैं विजुअल बेसिक पे, ये जो विजुअल बेसिक एडिटर जो आपको आ रहा है ये डिफॉल्ट होता है, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपके सिस्टम में एक्सेल के साथ होता है। अब इसके बारे में एक बार समझ लीजिए, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट एफ 11 प्रेस करने से आ जाता है, और ये सिर्फ एक्सेल में ही नहीं होता है, ये आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, सारे एमएस ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स में ये अवेलेबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ इंसर्ट के, यहाँ इंसर्ट में कि हम प्रोग्रामिंग क्या करेंगे,
देखिए इसमें दो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास VVA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज होना चाहिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ये डिफॉल्ट ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ F4 से प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल R से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आएंगे, क्योंकि तो ये आपको नेविगेट करेगा कोड का। यहाँ पे लिस्ट जितने फाइल ओपन होगा उस फाइल का लिस्ट होगा, उस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं उसका लिस्ट होगा, और बाकी जो आपके मॉड्यूल्स यूजर फॉर्म होते हैं उसका लिस्ट होता है। अगर हम सीट इंसर्ट करते हैं या न्यू सीट, यहाँ पे भी लिस्ट में देखिए आ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे वहां उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर्स, देखिए सीट वन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के सीट नेम है, डिस्प्ले ब्रेक पेज ब्रेक फॉल्स है, डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट फॉल्स है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा देखिएगा तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा सर, सीट वन इधर आ गया ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं आप, और ये सिर्फ सीट ही नहीं हर चीज में होता है। बट हम प्रोग्रामिंग कहाँ करें, क्या मैं सीट के ऊपर क्लिक करने पे जो एरिया आता है ये आपका प्रोग्रामिंग एरिया होता है, इसी पे मैं प्रोग्राम करना होता है। लेकिन मैं इन तीनों पे हम प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर वो आपका प्रोग्राम इसी पर सीट वन पे डबल क्लिक नहीं किया तो सीट वन में ही प्रोग्रामिंग आपका सेव होगा। कल के डेट में अगर आपका सीट वन डिलीट होता है तो आपका प्रोग्राम भी डिलीट हो जाएगा। सो हम सेव करेंगे वो मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में सेव करने से क्या होता है कि आपका जो कोड है इस बुक वन की प्रॉपर्टी में सेव होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सेव नहीं होता है। तो यहाँ पे कोड करना होता है। तो कोड करने से पहले अब देखिए इसमें हम बनाते क्या है, हम दो चीज बनाते हैं, है तो फंक्शन या फिर हम बनाते हैं पैकेज। हमें दोनों को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, बिना डिक्लेरेशन के हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नाम दे दिया R1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अब जो भी प्रोग्रामिंग लिखना है मुझे इनके बीच में लिखना है, और इसको रन करने के लिए जब माइक्रो लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो सब्जेक्ट क्लियर करना डिक्लेयर करना जरूरी से होता है, क्योंकि रन करते समय कोई एक सब्जेक्ट आईडी होना चाहिए डिक्लेयर करने के लिए, इसलिए हमें एक रन करना होता है। जैसे कि आपको आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको फाइल क्रिएट करना होता है, फाइल के एक सीट में जाके आप डेटा लिखते हैं, उसी तरीके से जो भी प्रोग्रामिंग करनी है आपको एक सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। अब बात आती है कि माइक्रो डिक्लेयर का नाम डिक्लेयर करते उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये तो आप जान गए कि आप माइक्रो को मॉड्यूल्स के अंदर में रखेंगे। अब इसके अंदर में हमें क्या क्या चीजें होना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले माइक्रो का नेम, जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया सुजीत कुमार, ये माइक्रो नेम गलत है। ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम लिखा हूं, क्योंकि हमने इसके बीच में स्पेस दे दिया है। तो माइक्रो नेम डिक्लेयर करते समय किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ अंडरस्कोर को आप रख सकते हो, अंडरस्कोर को स्पेशल कैरेक्टर नहीं माना जाता है। तो अंडरस्कोर के अलावा यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर रखा जा सकता है, कोई भी नाम रखा जा सकता है। तो अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं रखेंगे। उसके बाद इसमें नाम डिक्लेयर करते समय एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, 3 डिजिट का अल्फाबेटिक्स और न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। जैसे Raj1 एक गलत है, ठीक है? क्यों गलत क्यों हुआ? क्योंकि कॉलम नेम है RAJ। हाँ, इसमें इसका कॉलम नेम जो है आपका, यहाँ देखिए R1 कॉलम 1,
तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसके बीच में हम कोड क्या लिखे। देखिए जो कोड लिखेंगे वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे कि मुझे एक फाइल, एक मैक्रो बनाना है जो कि मेरे डी ड्राइव के एक लोकेशन में मेरा एक फाइल को क्रिएट करके रखे, तो उसके लिए कोड क्या होगा कि वर्कबुक, वर्कबुक्स डॉट एड एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज डी ड्राइव में 1 2 3 डॉट एक्सएलएस। ठीक है, अब इसमें हमने वर्कबुक क्यों लिया, क्या इसका नियम कानून है, इसके बारे में जानिए। तो उससे पहले आपको जानना होगा, जैसे कि आप पार्ट स्पीच इंग्लिश में पढ़ते थे तो आपके पास टोटल 4 ए होते थे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे होते थे। ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको लिखना है कि राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय, राम को ही पहले क्यों लिखे हम, क्योंकि राम नाउन है। उसी तरीके से यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिटेल, एक्शन या मेंबर कर लीजिए, मेंबर एंड मेंबर डिटेल्स। जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट डिटेल नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स है, एक्टिव वर्क वो। यहाँ पे एक्शन आ गया मतलब कि मेंबर आ गया इसका सेव एज, और सेव एज की डिटेल्स ये है। तो हमने वर्कबुक क्यों लिया, क्योंकि जो हमें एक सीट ऐड करनी है तो जो एक्शन होने वाला है वो इफेक्ट कर रहा है एक वर्कबुक को, इसे हमने वर्कबुक लिया। तो वर्कबुक ऐड, और जो वर्कबुक ऐड हुआ है उसको हमें यहाँ पे सेव एज कर रहा है। तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 होते हैं मेन जो ऑब्जेक्ट है, कि वो एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स, रेंज। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जो एप्लीकेशन को इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे उस एप्लीकेशन लिख के फिर उसका एक्शन और एक्शन डिटेल देना पड़ेगा। हम जो काम करना चाह रहे हैं वो वर्कबुक इफेक्ट कर रहा है, तो हमें वर्कबुक का देके वर्कबुक की डिटेल्स और एक्शन डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने ऊपर दिया हुआ। शीट्स, अगर किसी हम जो करने जा रहे हो किसी सीट को इफेक्ट कर रहा है तो सीट लेंगे, अरेंज तो रेंज लेंगे। तो 4 ए मेन है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हम इसको वन बाय वन सीखेंगे, और इसमें हम एप्लीकेशन को हम बाद में सीखेंगे, एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है। हम स्टार्ट करेंगे वर्कबुक से, कि एक वर्कबुक में हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में चलिए हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो वर्कबुक, जैसे कि एक पर्टिकुलर वर्कबुक को मुझे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि वर्कबुक को ऐड करना, एक क्रिएट करना, वर्क बुक्स डॉट ऐड हो जाएगा। अब ऐड की गई वर्कबुक को सेव करना, तो बेसिकली सेव करने का कोड कुछ इस तरह से वीडियो बोलता है कि आपको लिखना है वर्कबुक्स, किस वर्कबुक को करना है, तो बुक वन डॉट एक्सएलएस एम या जो भी है उसको मुझे सेव एज करना है, किसमें, तो डी ड्राइव के अंदर में 1 2 3 डॉट एक्सएलएस एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्कबुक ऐड हुआ है वो फिक्स नहीं है कि आपका वो क्या बोलते हैं बुक वन ही है, तो कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे एक कोड वर्क नहीं करेगा। तो हम इतना तो जानते हैं कि जो जो वर्कबुक हमारा ऐड हुआ है वो वर्कबुक एक्टिव है, ये पता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे, राइट, हमने कॉपी करके यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन जब मुझे पता है कि वर्कबुक को ऐड करके सेव करना ही है,
तो डायरेक्ट हम इसी कोड को लिखेंगे यहां पे डॉट सेव एज, और फिर यहां पे कि मुझे डी ड्राइव के अंदर 123.xls एक्स कर, समझे जी? डाउट सर? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब वर्कबुक को हमने ऐड कर लिया, तो अब मुझे वर्कबुक को ओपन करना भी सीखना चाहिए। वर्कबुक ओपन करने का कोड होता है वर्क बुक्स डॉट ओपन, और फिर आपको यहाँ पे देना है कि आप ओपन कहाँ से करना चाहते हो। तो मैं डी ड्राइव से 123.xls को ओपन करना चाहते हो, जो भी नाम आप दे दीजिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो आप फाइल ओपन करने जा रहे हो और उसमें पासवर्ड लगा हो। तो देखिए कि जरूरी नहीं कि डिटेल एक ही हो, आपका डिटेल जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं स्पेस मारूंगा तो आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स भी, यहाँ पे जैसे मुझे पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड यहाँ है, तो मैं कॉमा करूंगा और इग्नोर करते हुए चला जाऊंगा। देखिए पासवर्ड हमारा बोल्ड हुआ तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल, ये आपका फाइल का पासवर्ड। अच्छा सुजीत जी, इसमें आपको पासवर्ड डालना है तो देखिए इसमें नीचे एक्सप्रेशन दिख रहा है, मुझे पासवर्ड डालना है तो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अच्छा सुजीत जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, अगर मेरा जो फाइल मैं ओपन करना चाहता हूँ वो पहले से अगर ओपन है तो वो उस पे कुछ एरर मैसेज आएगा या फिर वो स्किप कर जाएगा? ऑप्शन आएगा, नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। रीड ओनली का ऑप्शन आएगा। अच्छा, रीड ओनली का ऑप्शन आएगा। आप चाहते कि रीड ओनली कर दे तो आप जाते कि रीड ओनली भी ओपन कर ले, मैसेज आया तो यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, रीड ओनली ओपन कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब वर्कबुक ओपन करने के बाद ओपन की गई वर्कबुक को क्लोज भी करना है। तो अगर आपको पता है कि वर्कबुक कौन सा है, किसको क्लोज करना है, तो आप यहां पे वर्कबुक्स और यहां पे हम करते हैं कि बुक वन डॉट एक्सेल एक्सेलेस एक्स डॉट क्लोज और यहां पे ट्रू। अब सबसे बात है कि एक्टिव वर्कबुक कब लगाएं। देखिए एक्टिव वर्कबुक का लगाने, वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक दोनों एक ही है, बस सिचुएशन अलग अलग है। वर्कबुक हम तब लगाएंगे जब हमारा एक हमें पता हो कि हमारे एक पर्टिकुलर वर्कबुक जिसका मुझे नाम पता हो तो वहां पे हम वर्कबुक का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वर्कबुक मुझे पता है कि वहां पे वर्कबुक नहीं है तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करें, एक्टिव वर्कबुक इस्तेमाल करें। अब मुझे इतना पता हो कि जिस फाइल को हम करने जा रहे हैं वो फाइल एक्टिवेट है, ठीक है सर? एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक में डिफरेंस पता चल गया? हाँ जी सर। डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं जी सर। आगे बढ़ते हैं। तो वर्कबुक क्लोज, अभी क्लोज करने में हमने ट्रू क्यों दिया, अब इस चीज को सीखने वाले जानने वाले बात। बेसिकली ट्रू देने का पर्पस ये था कि जब भी हम कोई फाइल लिखते हैं और लिखने के बाद इसको हम क्लोज करते हैं तो ये आपसे पूछता है डू वांट टू सेव चेंज, अगर मुझे इसको यस पे क्लिक करना है तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा, अगर नहीं करना है तो मैं डोंट सेव पे। तो सेव करना है तो ट्रू, नहीं करना है तो फॉल्स, यहाँ पे ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स ऐसे यहाँ पे।
ठीक है। और सुजीत जी अगर ये डिस्प्ले ही ना दिखाना चाहे तो? नहीं, ट्रू करने के बाद डिस्प्ले नहीं दिखाएगा ना यार, ट्रू एंड फॉल्स नहीं करोगे तो डिस्प्ले देगा आपको। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ वो जो आपको मैसेज बॉक्स ओपन हुआ, सेव करें या नहीं करें, उसके लिए ये होता है डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स करना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वर्कबुक को हमने क्लोज कर दिया, हमने वर्कबुक ओपन किया, वर्कबुक को सेव एज सेव एज किए एंड वर्कबुक को हमने क्लोज किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्कबुक में हम पासवर्ड डालते हैं, राइट। तो यहां पे आप लिखिए एक्टिव वर्क बुक एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के बाद पासवर्ड आ गया। तो ये कौन सा प्रोटेक्शन देगा, ये जो यहां रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्शन होती है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड चाहिए, तो मैं यहां पे एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ये कौन सा हुआ, ये हमारी जो फाइल मेनू बार में यहाँ इन्फो के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है इसमें इनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता है, ये होता है सर। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है यहां पे कि हमने यहां पे इक्वल लगाया, इससे पहले तो कहीं इक्वल नहीं लगाया था। तो यहां इक्वल लगाने का पर्पस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बेसिकली यहां पे इक्वल लगाने का पर्पस ये था क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है मेथड, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज। मेथड में आपको स्पेस लगा के अपने एक्शन डिटेल दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है, इक्वल देना होता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल है कि आप स्पेस दोगे तो यहां पे आपको नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा, बट प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे डॉट डालू और यहां पे मैं करूं कि लिखूं, तो जो ये जो बॉक्सेस के निशान देख रहे हैं इट्स मेथड, जो हैंड का निशान है वो प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि यहां ने पासवर्ड ने इंफॉर्मेशन दिया, और दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मुझे इस फाइल का नाम चाहिए तो एक लोकेशन चाहिए कि भाई एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, ठीक है ना, या फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट फाइल पाथ, फाइल फॉर्मेट है, माफ कीजिएगा, फाइल फॉर्मेट भी ले सकते हो, या फिर आप यहां पे पाथ भी कर सकते हो, या फिर फुल नेम करोगे तो पूरा भी आएगा। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, इसका आगे चल के हम इसका यूज आपको करेंगे, ठीक है। और कुछ करते हैं वर्कबुक में, इतना ही करते हैं मेरे हिसाब से जनरली। रेंज वगैरह भी हम लोग लॉक करते हैं, राइट। रेंज तो अलग हो गया ना,
रेंज तो मतलब उसी वर्कबुक के अंदर में वर्कबुक में ही करते हैं ना। तो एक बार आप लोग वर्कबुक के मेंबर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम आपके पास शीट और रेंज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ठीक है। और जिन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया है उनको तो मिल ही जाएगा, और जिन लोग रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मोबाइल से ज्वाइन किए उनकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। वो आप उसमें शेयर कर रहे थे ना मेगा में? हाँ मेगा में डाल दीजिए। हाँ मेगा में आप डाल दीजिए प्लीज। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। कल इसी टाइम पे? हाँ इसी टाइम पे जी, बिल्कुल।